आज हम सीखेंगे मैथ्स के लिए, कौन सी क्लास के लिए? केजी टू के लिए। ओके, केजी टू यानी टीजी वन आफ्टर केजी टू आता है। अभी आप बड़े हो गए तो आपको तो पढ़ाई भी काफी ज्यादा है स्टडी, और मैथ्स में अभी बिफोर नंबर आफ्टर नंबर, तो बिफोर और आफ्टर में फर्क क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले वाले नंबर, जैसे अभी थ्री है तो थ्री से पहले क्या आएगा? टू आएगा, वैसे उसको बोलते हैं बिफोर नंबर। और आफ्टर नंबर, जैसे आपको बिफोर है आप पहले कौन से क्लास में थे? केजी वन के क्लास में थे, और अभी आप कौन से क्लास में चले गए? केजी टू में। तो आपको अगर कोई पूछेंगे आता बिफोर कौन से क्लास में आप पढ़ते थे, तो आपको बताना चाहिए कि हम केजी वन में पढ़ते थे, और अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप? अभी आप पढ़ रहे केजी टू में। ओके, तो हम आज सीखेंगे बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर। ओके, तो अभी पहले नंबर देखिए कौन सा नंबर है, आप बताना है मुझे। हाँ, कौन सा नंबर है? 1 0 10। कौन सा नंबर है? 1 0 10। तो 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? 9 नंबर। देखिए 9 नंबर, इसको अच्छे से लिख दीजिए 9 नंबर। ओके, हाँ, तो हमने आज कौन सा नंबर लिखा है? ये नंबर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे मैं पहले ही आपको नंबर लिख के दे देती हूँ कि बिफोर नंबर कैसे लिखने हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 18, 1 8 18, और यहाँ पे लिख देती हूँ 25। ये आपको अगर बुक में ऑलरेडी दिए हुए और आपको सिर्फ इसके पहले के नंबर बताने, यानी बिफोर नंबर बताने, 1 8 18 से पहले नंबर कौन सा आता है? 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7। वैसे 1 से पहले 1 ही रहता है, तो 1 देखिए 1 और 8 से पहले 7, 1 7 17, 17 18। ओके, तो हमने कौन सा नंबर लिखा है? ये नंबर लिखा है, और इसमें ये नंबर लिखा है, वैसे ही ये कौन सा नंबर दिया है? 25, 2 5 25। तो उससे पहले कौन सा आएगा? 5 से पहले कौन सा आता है? 4। वैसे ही देखिए 2 और 5 से पहले 4, 24। अंडरस्टैंड? देखिए 10 बिफोर 9, 18 बिफोर 17, 25 बिफोर 24। इसके नीचे भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यानी आपको समझने में कोई डाउट नहीं रहेंगे। ओके, अभी हम सीखेंगे आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर यानी बाद के नंबर, जैसे अभी यहाँ पे अगर लिखा है 28, कौन सा नंबर लिखा है? 28। तो आपको 8 आफ्टर कौन सा नंबर आता है? यस, 9 नंबर आता है, तो 29 क्या लिखना है आपको? 29। देखिए अभी हमने आफ्टर नंबर सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं अभी? आफ्टर नंबर। 28 मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, आपने क्या लिखा है अभी? 29। जैसे मैं यहाँ आपको पहले दे देती हूँ, देखिए अभी 33, और यहाँ पे देती हूँ मैं 47। अभी बड़े हो गए आपको तो ये सब नंबर पता है, आपको 50 तक नंबर आने ही चाहिए। 33 दिए हुए हैं और 47 दिए हुए, 3 आफ्टर क्या आता है? 4। तो देखिए 34, 3 आफ्टर क्या आ रहा है? 4 नंबर, 3 के 3 वैसे ही रहेंगे। ओके, 34, इसके नीचे मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, और ये कौन सा नंबर है? 47। तो 7 आफ्टर क्या आता है? 8। तो जैसे 4 का 4 वैसे ही रहेगा, और 7 आफ्टर आपको लिखना पड़ेगा 8 नंबर। देखिए मैं इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देती हूँ, 47 आफ्टर 48। पहले कौन से नंबर सीखे हमने? बिफोर नंबर। बिफोर यानी पहले नंबर, 10 बिफोर 9 आता है, 18 बिफोर 17, 25 बिफोर 24। अगर आपको जो भी डाउट है कि आप वैसे मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। और अभी हमने आपको ऑलरेडी दिए थे 28 नंबर, तो 8 आफ्टर आता है 9। अगर 29 दिया हुआ रहा तो देखिए मैं यहाँ पे आपको फोर से बता देती हूँ, आपके डाउट जो भी होंगे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर मैंने आपको 29 दे दिया, तो अभी आप 2 का 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 आफ्टर आपकी आगे नेक्स्ट लाइन में आप चले जाते हैं, इसलिए फिर 9 आफ्टर 0 आ जाता है और 2 आफ्टर 3 आ जाता है। ओके, जैसे आपको कोई भी डाउट होंगे कि ऐसे 2 आफ्टर 2 भी लिख दिया और आपने 9 आफ्टर 0 कैसे लिखेंगे, फिर क्या लिखना है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए जब हाफ 3 में 9 आता है, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ पे 9 आफ्टर 10 हो गया क्योंकि 0 हो गया, वैसे ही 9 जब आता है तो उसके नेक्स्ट क्या रहता है? 0 आ जाता है, और उसके जो पहला नंबर जो रहता है उसका नेक्स्ट नंबर बन जाता है, इसीलिए 2 9 आफ्टर 3।
33 आफ्टर 34, 47 आफ्टर 48। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए आप बिफोर आफ्टर नंबर सीखिए, 1 to 50 तक बिना लिखे लिखिए, अच्छे से लिखिए। जो भी प्रॉब्लम होगी आपके पेरेंट्स को भी आप पूछ सकते हैं, मुझे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स को आप इसे जैसे आप चार्ट बनाते हैं 1 to 50 में, तो वैसे 1, 8, 11, 15 ऐसे नंबर देने लगाइए। अब जो बीच के नंबर है वो आपको लिख के बताएंगे, यानी फिर आपको 1 to 50 तक कैसे आता है, क्या आता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाय।